नमस्कार जोहार दोस्तों, बस्तर वासी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो हमारी एक्सप्रेस फिर आपको ले चल रही है एक नई जगह, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत वादियों के बीच है, साथ ही पुरातात्विक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक स्थल है और काफ़ी प्राचीन है। अभी तक आपने नागवंशी इमारतों को देखा होगा, पर यह नलवंशी इमारत है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ गोब्राहीन, जो कि केसकाल से बटराली नामक ग्राम से 3 किलोमीटर अंदर है, वहाँ चलते हैं। देखिए अभी हम कोंडागांव सिटी को क्रॉस कर रहे हैं और कोंडागांव बस्तर का एक बहुत ही व्यापारिक केंद्र है, साथ ही जिला मुख्यालय भी है कोंडागांव जिले का, और इसी जिले में यह पुरातत्विक स्थल आता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं केसकाल की ओर, वहां से फिर हम बटराली गांव की तरफ मुड़ेंगे। दोस्तों ये कोंडागांव शहर है, ये कोंडागांव जिले का जिला मुख्यालय भी है और कोंडागांव को विशेषता जाना जाता है इसके शिल्पों के लिए, इसे शिल्प नगरी भी कहा जाता है। बस्तर के ख्याति नाम शिल्पकार इसी नगरी से निकले हुए हैं, ऐसी नगरी में निर्माण करते हैं। तो ज़्यादातर जो पर्यटक आते हैं कोंडागांव भ्रमण जरूर करते हैं शिल्प नगरी के कारण। साथ ही इसकी खासियत यह है कि आसपास केसकाल और ये सब आसपास के कुछ जो जगह हैं और नलवंशी इमारतें हैं उसके कारण भी कोंडागांव जिला विख्यात है। दोस्तों खूबसूरत हरा भरा मनमोहक सा यह ग्राम बटराली है, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर में हमें गोब्राहीन है। इस क्षेत्र के बारे में बता दूं कि केसकाल का जो पहाड़ है उसके ऊपर बसा हुआ क्षेत्र है, इसके नीचे केसकाल की घाटी पड़ती है। काफ़ी मनमोहक क्षेत्र है, कोई इसे हिल स्टेशन कह दे तो मैं उसे गलत नहीं कहूँगा, बिल्कुल वैसी माहौल है। और यहाँ पे घूमने के लिए हर चीज़ है, आपको वाटरफॉल भी मिलेंगे, प्राचीन इमारतें भी हैं और ब्यूटीफुल नज़ारे, खूबसूरत नज़ारे भी हैं। पहाड़ियों के ऐसे ऐसे स्पॉट हैं जहाँ से आप दूर दूर का विहंगम दृश्य दे सकते हैं। तो ईश्वर ने बहुत कुछ इस क्षेत्र को दिया है, सुंदर सुंदर राजा महाराजाओं द्वारा बनाए गए तालाब हैं। तो लगभग हम पहुँच चुके हैं गोब्राहीन, और मैं आपको बता दूँ कि गोब्राहीन यह 6वीं-7वीं शताब्दी में निर्मित एक प्राचीन ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर है, जो पूरी तरह ध्वंस हो चुका है। पुरातत्व विभाग द्वारा 90 के दशक में यहाँ पे कुछ खुदाई की गई थी, उसके द्वारा यहाँ पे मंदिर, हम ऊपर जाके शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं, पर हम अभी भी यहाँ पे पूरी तरह मंदिर नहीं देख पाएंगे क्योंकि लगभग 1500 वर्ष पहले की इमारत है। मैं आपको बता दूं कि काफ़ी खूबसूरत इमारत है और 3 मंदिरों का टीला है, 3 मंदिरों का समूह है, जिन्हें गोब्राहीन समूह, विष्णु मंदिर समूह और साथ ही बंजारिन मंदिर समूह कहा गया है। तो चलिए आगे और भी आपको जानकारी देता हूं। नमस्कार साथियों, आप सभी का गोब्राहीन की इस पावन धरती पे, शिव की धरती पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हर हर महादेव, हर महादेव, हर 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 हर महादेव, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोस्तों इस मंदिर में एक ऐसी मान्यता है कि हम अगर इस शिवलिंग को अपने दोनों हाथों से गले लगाकर, दोनों हाथ हमारे अगर छुआ जाते हैं तो हमें अपना इच्छित मनोकामना प्राप्त होती है, या हम काफ़ी सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। तो अधिकतर जो भी दर्शनार्थी आते हैं वैसे ही करते हैं। यह हमें इस मंदिर के पुजारी परिवार ने बताया, सामने जो खड़े हैं ये पुजारी परिवार के सदस्य हैं जो वंशों से, पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा करते आए हैं और इसकी देखभाल भी करते आए हैं, जब पुरातत्व विभाग भी इसकी देखरेख नहीं करता था तब से कर रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हुए मैं आपको बगल में एक और टीला है उसे दिखाता हूँ, वो भी इतना ही बड़ा है लेकिन इसकी खुदाई नहीं हुई है। अभी हम लोग एक टीले के ऊपर चढ़े हैं, एक अनजान सा टीला है, पुरातत्विक स्थल है और पुरातत्व विभाग के द्वारा इसे चारों तरफ से घेरा गया है, और सामने ये आंगा देव का विग्रह रखा हुआ है। मुझे लगता है ये कुछ पूजा पाठ की जगह है, लेकिन जैसा कि इतिहास की पुस्तकों में दिया गया है ये पुरातत्विक साइट है और पहले यहाँ पे मंदिर थे। चलिए और जगहों को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सामने एक खूबसूरत सा तालाब है, यहाँ पे एक ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे एक तालाब है जो कि रंग बदलता है। मैं नहीं जानता ये सामने वाला तालाब है कि कौन सा तालाब है, पर ऐसा एक तालाब है ऐसा स्थानीय लोग बता रहे थे। प्राचीन काल में जहाँ भी मंदिर होते थे उनके अगल बगल तालाब बनाए जाते थे, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे मंदिर हैं इसलिए यहाँ पे बहुत सारे तालाब हैं, और आगे एक नाला बह रहा है जो काफ़ी खूबसूरत है। चलिए उधर की ओर चलते हैं। जय भोले बाबा,
हर हर महादेव। बहुत ही डेंजर लग रही है ये जगह, पैर स्लिप होने की संभावना है, इसलिए सभी से निवेदन है कि संभल के थोड़ा चलें, अन्यथा पैर स्लिप होने से हल्की फुल्की चोट की भी आशंका है। चलिए आइए, इतना दूर चलने के बाद ऐसे खूबसूरत स्थल आए तो पैर पानी में डालने की इच्छा होती है, तो अच्छा स्थान देखें और पैर पानी में डाल के पानी का टेम्परेचर अवश्य चेक करें। इतना स्लिप पत्थर नहीं है यहाँ पे, मतलब ईंट के टीलों से बना हुआ मंदिर जो है लेकिन वो ध्रस्त हो गया है, घिरा हुआ, मतलब अनावृत बोलने से घिरा हुआ। जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे तीन मंदिर समूह हैं, उसमें से एक है विष्णु मंदिर समूह, वहीं आपको ले चल रहा हूँ, पर रास्ता नहीं है, ये बीच में जो नाला जा रहा है, छोटा सा स्टॉप डैम पड़ा है, उसे हमें कूद के जाना पड़ेगा। और ऐसे ही मैं कूद के सुकमा के दुर्मा वाटरफॉल में गया था, उसकी वीडियो की आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, जो नहीं देखे उसे देख लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन भैया, अगर कोई इतिहास का ना जानकार है या इतिहास में रुचि है ना, उसके लिए ना बेहतरीन जगह है ये है। ईंट के टीलों में अनावृत ध्वस्त प्राचीन ईंट निर्मित मंदिर गढ़ धनोरा जिला बस्तर, ईंट निर्माण राष्ट्रीय से बटराली नामक गांव से गढ़ धनोरा के पास विद्यमान है। तीन मंदिर समूह, विष्णु मंदिर समूह, गोबारहीन समूह, बंजारीन मंदिर समूह। विष्णु मंदिर समूह विष्णु ऋषि के 10 मंदिर हैं यहाँ ये इस एरिया में। हाँ, ये विष्णु मंदिर समूह है भैया। बंजारीन मंदिर समूह में 4 ध्वस्त मंदिर आवासीय भवन के अवशेष दिखाई पड़ते हैं, मतलब गोबराहीन समूह में एक विशाल ईंट निर्मित टीला है जिसके ऊपर गर्भगृह अंतराल तथा गर्भ प्रतिष्ठापित। अपनी राजधानी छोड़ के कहीं और जगह चले गए तो ध्वस्त हो गए। ये एक मंदिर है, देखिए प्राचीन ईंट निर्मित मंदिर, और मूर्ति तो नहीं है कुछ भी, ईंट का साइज भी जो देखो ना जबरदस्त साइज है, आज से लगभग 1400-1500 साल पहले जो ईंट था कितना चौड़ा था देखो, है ना। ये मंदिर रहा होगा, अभी तो नहीं है कुछ भी, शायद कुछ यहाँ पे पूजा अर्चना होता है। एक ये मंदिर है, हैं? हाँ, मुख्य वो होगा, छोटे छोटे मंदिर देखो यहाँ पे बकायदा ना टीला बना हुआ है, मूर्ति नहीं है उसमें अंदर, एक उस साइड यह किनारे में, और छोटे छोटे और भी कुछ कुछ ध्वंसा अवशेष हैं। वाकई में इतनी समृद्ध विरासत है, इसका उत्खनन होना चाहिए और लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। ईंटों की साइज देखिए, लगभग लगभग आज के जैसे ईंट लगते हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी पुरातात्विक साइट पे, मतलब काफ़ी हजार साल पुराने ईंट, लेकिन ये एक आध ईंट को मैं थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ। ये ईंट देखिए, ईंट की साइज कितनी जबरदस्त निर्माण है। कितना बजा रहा? संरक्षित स्मारक निषेधित नियंत्रित प्रदेश प्राचीन स्मारक, ये मेरे प्रादेशिक संरक्षित स्मारक है। अरे ये शिवलिंग है यार, भगवान शिव का मंदिर है ये, बेहतरीन आनंददायक, बहुत ही सुंदर शिवलिंग है। बस्तर संभाग में ईंटों से बने हुए मंदिर नलकालीन हैं, और उसमें ये सबसे बड़ा ईंटों से मंदिर समूह है जिसे गढ़ धनोरा कहा जाता है। किले की ओर जो कि लग रहा है कि मुख्य मंदिर है, तो यहाँ चल के देखते हैं क्या है संरचना और किस हिसाब से बनाई गई थी और क्या था इसे बनाने का उद्देश्य। हालांकि हमें जैसे कि सूचना पटल से ही ज्ञात है कि मंदिर है तो ये मंदिर ही होगा, लेकिन अंदर अभी भी क्या क्या उपस्थित है ये वहाँ पहुँच के ही देखते हैं। चलिए आइए मेरे साथ। इमारत पे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होंगी, इस पर अभी तो पूरा जीर्ण शीर्ण है,
पूरे ईंटों से बनी संरचना है। 6वीं शताब्दी के आसपास जो निर्मित होते थे मंदिर वो ईंटों से ही बनते थे। ये है बेहतरीन। शिव मंदिर ही लग रहा है। वाह, तरफ का सुंदर नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। क्यों के उस सरोवर को जो धार्मिक अनुष्ठानों हेतु तो निर्मित किया गया होगा अभी लगभग लगभग पट सा गया है। ये है वह छोटा सा पोखर, ये धार्मिक अनुष्ठान हेतु निर्मित होगा ऐसा लगता है। यहाँ भी कहाँ है शिवलिंग है ना यार, अभी तो मैं देखा क्या नहीं। वाह वाह वाह, होगा उसमें तो अच्छा, इसमें अच्छा शिवलिंग नहीं है, सिर्फ उसका वो है जलहरी मेन बड़ा मंदिर में, देखो ना। हमारी गाड़ियों का काफिला अगले स्पॉट की ओर चल पड़ा है, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, ऐसी खूबसूरत जगह मुझे दिखाने का श्रेय मैं सबसे पहले तो आदरणीय पूर्व विधायक संतोष बापना जी को देना चाहूँगा। उनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो मुझे इतनी खूबसूरत जगह लेके आए, जहाँ मैं सोचा नहीं था, मैं नाम सुनता था, मैं नहीं जानता था कि इतनी खूबसूरत जगह होगी। उन्होंने अपने कार्यकाल में इस जगह को डेवलप करने के लिए काफ़ी कार्य किया था। तो मेरी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, जो नए आए हों सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं वाणी को विराम और कैमरों को आराम देता हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय बस्तर, जय भारत, जय माई दंतेश्वरी।